स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 10th चैप्टर 4। नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज नंबर 4.3। बेटा आप सभी को याद होगा कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। याद है सभी को? यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आज हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या करना है, फाइंड द रूट्स, निकालने रूट्स हैं। अगर वो क्या करें, एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हो बाय यूजिंग व्हाट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज क्या करना है, मेथड चेंज है, आज हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं करना, आज हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है? सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, जहां पे d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सभी बच्चे राइट डाउन दिस थिंग इन योर रफ नोट बुक। बेटा सभी बच्चे लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। सभी बच्चे लिखेंगे अपनी अपनी कॉपी के अंदर और याद करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, जहां पे डी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट छोटा, वेरी गुड मॉर्निंग। ध्यान दें सभी, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अगर कोई बच्चा बुक से मैच करे, मैंने क्वेश्चन लिया बुक से बाहर, बुक वाले करोगे आप, मैं करवा रहा हूं एक्स्ट्रा, ठीक है? फोकस, कल हमने ध्यान दिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम चेक करेंगे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, वो डिपेंड करता है किस पे, d पे। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। सभी बच्चे चैट बॉक्स में a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू बताएंगे सभी। कल आपको सिखाया था फर्स्ट पार्ट के अंदर a की वैल्यू हाउ मच, वेरी गुड वेरी गुड, बोलो चैट बॉक्स में a की वैल्यू हाउ मच। कल टीचर ने आपको सिखाया था, सभी ने ध्यान दिया होगा, x स्क्वायर की क्या है, 1, इट मींस a की वैल्यू 1, वेरी गुड, b की वैल्यू माइनस का 3, वेरी गुड। नाउ फोकस c, c की वैल्यू माइनस का 10, हमें क्या निकालना है, d, व्हाट, b का स्क्वायर माइनस का 4ac। गॉट इट ऑल, सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस 4 टेंस आ 40, 40 प्लस 9 49। क्लियर है? सर ने कब बताया था, अगर क्या हो, d की वैल्यू 0 से बड़ी तो क्या होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स होंगे रियल और कैसे होंगे, अलग अलग। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? क्या सभी को यहां तक क्लियर है, रूट एग्जिस्ट करेंगे और कैसे होंगे? यस स्टूडेंट बेटा, सभी चैट बॉक्स में डालें वाई फॉर यस एन फॉर नो। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? यहां तक बिल्कुल आसान है, सिर्फ ध्यान देना बोर्ड पे। इसके बाद क्या करेंगे, हम लगाएंगे हमारा फॉर्मूला बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई होप सभी को याद होगा, सभी अपना मन में रिवाइज करेंगे। क्या था, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ध्यान दो सभी, b की वैल्यू हाउ मच, माइनस का 3 प्लस माइनस रूट डी, d की वैल्यू 49 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1। क्या सभी बच्चों को वैल्यू पुटिंग क्लियर है, b की जगह माइनस 3, d की जगह 49, a की जगह 1। क्या सभी को वैल्यू पुटिंग क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को
वैल्यू पुटिंग क्लियर, ए बी सी और डी इन सभी की वैल्यू को डाल देना है, दैट्स इट। दोबारा समझा रहा हूं, एक बच्चे का मैसेज आया नहीं आया, देखो बेटा क्या करना है आपको, बी की वैल्यू -3 डाल देना है, डी की वैल्यू 49 डाल देनी है, ए की वैल्यू 1 डाल देनी है। अब करना है सोल्व, ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस, वी गेट 3 प्लस माइनस 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, वेरी गुड, बाय 2 1 2, क्लियर है। यहां से दो रास्ते, एक तो प्लस और एक माइनस, क्लियर है, एक रास्ते में तो प्लस एक रास्ते में माइनस, 7 और 3 10, 10 का आधा 5, क्लियर है। 7 में से 3 लेना 4, बड़ा कौन है माइनस का, बाई में 2 डिवाइड करोगे -2, क्या सभी को दोनों वैल्यू क्लियर है, क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन की दोनों वैल्यू क्लियर है, सभी बच्चों को, ये स्टूडेंट्स बेटा वेरी गुड वेरी गुड, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, वेरी गुड वेरी गुड नाइस, सभी का आंसर यस आ रहा है, इट मींस सभी को समझ में आ गया बेटा, बहुत इजी है। और आपको पेपर में हमेशा ये लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या पता आपके फैक्टर्स ना बनते हो और कंप्लीट इन द स्क्वायर तो कभी लगाना ही नहीं है, अगर उन्होंने खुद पूछ लिया तो अलग बात है, वरना कंप्लीट इन द स्क्वायर तो कभी नहीं लगाना, क्या लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट, फोकस करेंगे सभी बेटा। सेकंड पार्ट क्या गिवन है, 2x² + x - 6 = 0, सभी बच्चे कंपेयर करो, ax² + bx + c = 0, सभी बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, डालो चैट बॉक्स में, वेरी गुड बोलो बेटा, साथ साथ रिवाइज करना है टीचर के साथ साथ, अपनी कॉपी पे लिखते हुए चलो साथ साथ, टीचर कर रहा है बोर्ड पे, आप करो कॉपी पे, फिर करो मैच, वेरी गुड। बच्चों के आंसर आ रहे हैं 2 1 6, नहीं बेटा 6 गलत है, साइन लेना साइन साइन साइन, 6 नहीं आएगा, क्या आएगा -6, इट मींस बेटा ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2, वेरी गुड, बी की वैल्यू कितनी है इतनी है क्या है +1, वेरी गुड, सी की वैल्यू कितनी है -6, क्लियर। अब हम निकालेंगे डी, क्या आएगा b² - 4ac, बी की वैल्यू +1, वेरी गुड, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -6, सोल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1, -1 - +, 4 2 8, 8 6 48, ऐड करने पे 49, क्लियर। हम क्या लिखेंगे, डी की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी, तो रूट्स क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल होंगे और कैसे होंगे अलग अलग, क्या सभी को यहां तक मैच हुआ, हां जी स्टूडेंट्स क्या सभी बच्चों का यहां तक मैच हुआ, यहां तक बेटा बिल्कुल आसान है, अगर समझने की कोशिश करोगे तो मजा भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करनी है, समझने की थोड़ा सा कोशिश करो समझने की, वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या अप्लाई करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, -b + -√d/2a, हम डालेंगे वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है बेटा 1, वेरी गुड, d की वैल्यू 49/2a, a की वैल्यू कितनी है 2, क्लियर। नाउ -1 + - किसका स्क्वायर है 7 का, तो 7 आ गया, नीचे 2 2 4, क्या सभी को यहां तक क्लियर। इसके बाद दो रास्ते, -1 + 7/4, -1 - 7/4, एक बार लेना है 7 प्लस ले लिया, एक बार लेना है 7 माइनस ले लिया, क्लियर है, ध्यान दो 7 + 1 = 6, बड़ा कौन है प्लस का, बाय में 4, 7 और 1 8, दोनों किसके हैं माइनस, बाय में 4,
टू थ्री जा टू टू जा थ्री बाय टू, दो से काट दिया माइनस का दो। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? सभी बच्चे अपना अपना निकालें और फिर बोर्ड से मैच करें, तब आएगा पढ़ने का मजा। टीचर के साथ साथ निकालें, और बल्कि टीचर से पहले, टीचर तो समझा रहा है, आपको समझाना थोड़ी ना। बेटा चैट बॉक्स में लिखें वाई फोर यस, वाई लिखें और एंटर मारें कि सर समझ में आ गया, वेरी गुड, आगे चलो। हाँ जी बेटा क्लियर सभी को? यस स्टूडेंट्स। हाँ बेटा सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक? नाउ फोकस, वी आर डूइंग थर्ड पार्ट। सभी नाम देंगे, जो बच्चे अभी आ रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, आते जाओ समझते जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस का वन फोर थ्री इक्वल टू जीरो। सभी बच्चे वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ सी इन द चैट बॉक्स। जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं सभी बच्चे डाले वैल्यू इन द चैट बॉक्स। टाइप करें एक ही बारी में, ए की वैल्यू उतनी है, बी की वैल्यू उतनी है, सी की वैल्यू उतनी है, फिर एक बार एंटर मार देना काम करना। वेरी गुड वेरी गुड, करो बेटा। ए की वैल्यू टू, बी सॉरी ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू टू, सी की वैल्यू माइनस का वन फोर थ्री। क्लियर सभी को? बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ वैल्यू समझनी है। ए की वैल्यू एक, बी की वैल्यू दो, सी की वैल्यू माइनस का वन फोर थ्री। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में निकालो डी, मुझे बताओ डी कितना आ रहा है। वेरी गुड, कोई बच्चा बोर्ड पे ध्यान नहीं देगा, सभी बच्चे निकालेंगे अपना अपना। वेरी गुड, बहुत आसान है, अगर कोशिश करोगे तो बहुत आसान है। वेरी गुड, सभी ट्राई करेंगे बेटा। वेरी गुड, बताओ सभी क्या टीचर का ठीक है? सभी बच्चे बताएंगे जो टीचर ने निकाला क्या वो ठीक है। वैल्यू ऑफ डी इक्वल्स टू फाइव सेवन सिक्स। अगर किसी को डाउट है तो बताओ कि सर हमें समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ तो मैं दोबारा बता दूंगा। हाँ बेटा क्या सभी बच्चों को क्लियर है? डी की वैल्यू फाइव सेवन सिक्स, क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, छोटी सी गलती हो गई, दो का सौ कितना है बेटा चार। वेरी गुड, फोर थ्री जा ट्वेल्व, यहां पे आएगा फाइव सेवन टू, आंसर आएगा फाइव सेवन सिक्स। हम क्या बोलेंगे बेटा? डी की वैल्यू क्या है? जीरो से बड़ी। इट मींस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल होंगे और अलग अलग होंगे, क्लियर है? अब निकालेंगे रूट्स, कैसे निकालेंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। चुपचाप वैल्यू डालो, बी की वैल्यू कितनी है दो, प्लस माइनस रूट ओवर फाइव सेवन सिक्स अपॉन टू ए, ए की वैल्यू वन। सभी बच्चे बताएंगे क्या आप सभी को याद है ये नंबर किसका स्क्वायर है? यस स्टूडेंट्स, क्या किसी को याद है ये नंबर किसका स्क्वायर है? वेरी गुड वेरी गुड, कुछ बच्चों को याद है कुछ बच्चों को याद नहीं है। ये नंबर है स्क्वायर है 24 का, आप सभी को याद होना चाहिए बेटा। दिस नंबर इज व्हाट स्क्वायर ऑफ 24। नेक्स्ट है माइनस टू प्लस माइनस, इसका स्क्वायर है 24 का अपॉन टू वन जा टू, क्लियर है? यहां से दो रास्ते, एक तो किसका प्लस और एक किसका माइनस। क्या सभी को क्लियर है यहां तक? 24 में से दो गया 22, बाय में टू वी गेट 11, दूसरा 24 और 2 26, दोनों इसके हैं माइनस के, बाय में टू वी गेट माइनस 13। क्या सभी को दोनों वैल्यू क्लियर? यस स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को दोनों वैल्यू क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड, स्पीक अप बेटा, वेरी गुड।
चैट बॉक्स में वाई लिखे, एंटर मारे बेटा, चैट बॉक्स में वाई लिखे और एंटर मारे बेटा। टीचर को पता होना चाहिए ना, बच्चों को समझ में आ रहा है। वेरी गुड, जो बच्चे कंजूसी कर रहे हैं, लिख नहीं रहे बेटा, चैट बॉक्स में वाई लिखो, एंटर मारो, ताकि पता लगे टीचर को, बच्चों को समझ में आ रहा है। वेरी गुड, आप सभी के लिए फोर्थ पार्ट, आप सभी करोगे, मैं भी कर रहा हूं लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, सभी करेंगे अपना अपना और चेक करेंगे क्या ठीक है। वेरी गुड, स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर फोर। 3x² - 5x + 2 = 0। सबसे पहले एबीसी की वैल्यू बिल्कुल स्टेप वाइज, डोंट लुक एट द बोर्ड, कोई बोर्ड पे ध्यान नहीं देगा। वेरी गुड, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, आपको जस्ट वैल्यूज निकालनी है। बताएं सभी, क्या सभी का डी तक ठीक है, सभी का यस स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों का क्वेश्चन डी तक ठीक है? हाँ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, कीप रिप्लाइंग, काम करते रहो, चैट बॉक्स में हाथ मारते रहो, काम करते रहो, चैट बॉक्स में हाथ मारते रहो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, डी क्या गया, एक एक क्या है, जीरो से बड़ा, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल होंगे और अलग अलग, क्लियर है। अब क्या करेंगे, निकालेंगे कैसे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, क्लियर है। डालो बी की वैल्यू -5, जहां बी है वहां -5, जहां डी है वहां 1, वेरी गुड, जहां ए है वहां 3। नेक्स्ट स्टेप, माइनस माइनस प्लस 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, बाय में 6, क्लियर है। दो रास्ते, 5 और 1 6, 6 बाय 6, 5 में से 1 गया 4 बाय 6, 6 × 6, 6 × 6, आंसर आया 1, 2, 2 जा 2, 3 जा, आंसर आया 2/3। क्या सभी का क्वेश्चन मैच हुआ, सभी का यस स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों का क्वेश्चन मैच हुआ? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत इजी है, आराम से सोचना है आपको, आराम से, क्लियर है सभी को? सभी बच्चे ध्यान देंगे यार, अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मान लो अगर हमको ये बनी बनाई इक्वेशन ना मिले, हमें बनानी पड़े, फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक का थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सभी, फर्स्ट पार्ट एक्स प्लस 1/x आपको क्या गिवन है, 3, तो हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन बनानी है। सभी से बताएंगे इस क्वेश्चन के अंदर एलसीएम कितना आएगा, बोलो सभी, एक्स प्लस 1/x इस क्वेश्चन में एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम, यस बेटा यस, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, सभी को बोलना है, सभी बोलेंगे, गलत बोलो ठीक बोलो कोई बात नहीं, लेकिन बोलेंगे बेटा सभी, वेरी गुड, एक्स का और वन का एलसीएम आएगा एक्स, वेरी गुड, यहां पर एलसीएम आ गया एक्स, वन की मल्टीप्लाई एक्स से, एक्स और एक्स, एक्स का स्क्वायर, एक्स वन जा वन, वन जा वन, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, एक्स को ले जाओ सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3 × x, 3x, क्लियर है, ये किसका है, प्लस, इसे आगे माइनस। क्या सभी को इक्वेशन की फॉर्मेशन क्लियर है, इक्वेशन कैसे बनानी है, सभी को क्लियर, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद सोल्व करना है बस। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे बताएंगे डिफिकल्ट, एवरेज या इजी, कैसा क्वेश्चन है, आसान है, एवरेज है या डिफिकल्ट है, इजी है? हाँ जी बेटा,
वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का निकाल और डी डी कितना आएगा? वेरी गुड। अब हम करेंगे डायरेक्ट क्योंकि हमने क्वेश्चन कर दिए बहुत सारे। वेरी गुड। क्वेश्चन में बी की वैल्यू माइनस कर दो 3। वेरी गुड। क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1। वेरी गुड। क्वेश्चन में सी की वैल्यू अगेन 1। सॉल्व करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4 इक्वल्स टू 5। क्लियर है? गॉट इट? डी क्या आ गया? 0 से बड़ा। रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर सभी को? फिर क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस का 2 बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ध्यान दो b की वैल्यू हाउ मच? माइनस 3 डाल दो। वेरी गुड। d की वैल्यू कितनी आई? 5 डाल दो। डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 डाल दो। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। क्या सभी को आंसर क्लियर है? आंसर बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ ट्राई करने की देर है। जो ट्राई करेगा वो कर देगा, जो सिर्फ देखेगा वो नहीं कर पाएगा। हाँ जी बेटा, क्लियर सभी को? ये आपकी बुक का थर्ड एग्जांपल था, ठीक है? एग्जांपल करवा रहा हूं बेटा मैं। एक्सरसाइज आप ट्राई करना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ से मैच कर लेना, उसके बाद अपनी फेयर कॉपी करके मुझे भेज देना। मैंने सुबह में से डाल दिया था, कुछ बच्चे हैं वो अभी भी नहीं मान रहे, काम नहीं भेजते हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं भेजना आज तो पहले बता दो, बेंच को फोन कर दूंगा कि आपका बच्चा क्लास तो लेता है लेकिन काम नहीं भेजता। तो जो टीचर ने पढ़ाया उसको पढ़ो और वापस भेजो। वेरी गुड। सभी जान लेंगे आपकी बुक का नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिल्कुल आसान है। सभी फोकस करेंगे, 1 by x minus 2 equals to 3। सभी बताएंगे what will be the LCM? LCM क्या आने वाला है? LCM। Very good, very good। Tell me, हमारा LCM क्या आएगा? बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। क्यों? दोनों चीजें क्या हैं? Both things are different। ध्यान दो, LCM क्या आएगा? ये और ये अलग है। LCM क्या आएगा? दोनों की मल्टीप्लाई। क्लियर है? गॉट इट? यहां किसी कमी है? माइनस टू वाले की, उसको लिख दो ऊपर x माइनस टू। यहां किसी कमी है? x की, तो ऊपर लिख दो x बन जा x। क्या सभी को LCM क्लियर? बेटा इस क्वेश्चन में LCM का फंडा है, अगर LCM आ गया क्वेश्चन खत्म, अगर LCM गलत आगे सब गलत। Y for yes and for no in the chat box। हाँ बेटा, चैट बॉक्स में Y लिखें और बताएं फटाफट, समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड, आपका रिप्लाई यस आ रहा है। फोकस बेटा, नेक्स्ट है x x क्या हो गया? कट। क्या बचेगा? माइनस टू अपॉन, ध्यान दो, x इंटू x एक्स स्क्वेयर प्लस इंटू माइनस माइनस टू इंटू एक्स टू एक्स इक्वल्स टू 3। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से, 3x स्क्वायर माइनस टू प्लस माइनस 3 टू जा 6x इक्वल्स टू हाउ मच? माइनस का 2। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, माइनस का 2 इससे आगे प्लस का 2। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? यहां तक बोलो सभी बच्चे बताएंगे। क्या सभी बच्चों को इक्वेशन बनाने क्लियर? इक्वेशन कैसे बनानी है? वेरी गुड वेरी गुड। चैट बॉक्स में डालें बेटा फटाफट Y4 यस। अब क्या करना है? हमें डी निकालना है बेटा, बहुत आसान है। ध्यान दो, ए की वैल्यू को 3, बी की वैल्यू माइनस 6, डी की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू हाउ मच? 2। क्लियर है? अब क्या करेंगे बेटा? डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। सभी बच्चे ध्यान से, b की वैल्यू माइनस 6, a की वैल्यू 3,
3, b की वैल्यू 2, क्लियर है। नेक्स्ट है माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, माइनस करने पे 12। बताओ सभी चैट बॉक्स में सही स्टेप क्लियर। क्या सभी को समझ आ रहा है धीरे धीरे कैसे करना है? चैट बॉक्स में बेटा वाई फॉर यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। देखो सभी रिप्लाई करेंगे, सभी रिप्लाई करेंगे ना अच्छा लगता है, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे भाई, क्या निकालना है? रूट्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ध्यान दो b की वैल्यू माइनस का 6 डाल दो, प्लस माइनस d की वैल्यू 12 अपॉन 2a। ध्यान दो a की वैल्यू कितनी है 3, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 3 2 जा 6। क्या सभी को यहां तक क्लियर? ये हमारा आंसर नहीं है, अभी हमको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना है। सर्वे से ध्यान देंगे, हमारा रूट में जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे हम? करेंगे पीएफ। ध्यान दो हमने की 12 की पीएफ 2 से 6 पे, 2 से 3 पे और 3 से 1 पे। हम क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं, जिसका पेयर बन गया रूट से बाहर। ध्यान दो प्लस का 6 एज इट इज, प्लस माइनस दो का पेयर बन गया तो दो आ जाएगा रूट से बाहर, अंदर कौन बचेगा सिर्फ 3 डिवाइडेड बाय 6। क्या सभी को ये स्टेप क्लियर है? हमें क्या करना है, जो नंबर रूट के अंदर है उसकी करनी है पीएफ। पीएफ करने के बाद जिसका पेयर बन गया वो आ जाएगा रूट से बाहर, ठीक है सभी को? एक बार कोशिश करो समझने की, दोबारा समझा दूंगा कोई बात नहीं। ध्यान दो सभी मुझे बताएंगे ऊपर से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, बता रहा एक बार ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, बोलो ऊपर से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? वेरी गुड बोलो बेटा वेरी गुड। ध्यान दो ये 6 है, इसको क्या लिखूं मैं, 2 3 जा 6 तो 2 क्या आ गया कॉमन। ध्यान दो क्या बचेगा, यहां तो बचा 3, बीच में क्या है प्लस और माइनस, यहां पे क्या बचेगा रूट 3 डिवाइडेड बाय 6, क्लियर है। 2 1 जा 2 3 जा, सो द फाइनल आंसर इज दिस। क्या सभी को लास्ट के कुछ स्टेप क्लियर हुए? कुछ कुछ जरूरी नहीं है सारा आया हो, कुछ कुछ आया कुछ कुछ। एक बार वीडियो आ जाएगी, वीडियो को रिवाइंड करना, दो बार देखना, अगर समझ में ना आए कल फिर पूछ लेना, बता दूंगा। हां जी सभी को कुछ कुछ क्लियर है, कुछ कुछ वेरी गुड वेरी गुड। चैट बॉक्स में लिखें कितना क्लियर है, सारा या कुछ कुछ, लिखो चैट बॉक्स में सारा क्लियर है या कुछ कुछ। वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे बोल रहे थे सारा क्लियर है, चलो बेटा बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। अब हम कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन। हमारे एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक पार्ट जो है छोटा सा वो तो आप खुद कर लोगे, एक मैं करा रहा हूं थोड़ा सा बड़ा है वो मैं करवा रहा हूं। देखो है बिल्कुल आसान, जो ध्यान देगा उसको समझ में आएगा। आपको क्या करना है, बोर्ड पे ध्यान देना अच्छे से। हाँ बेटा सभी ध्यान दो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फोकस ऑन द बोर्ड, क्या गिवन है? सेकंड पार्ट है 1 बाय एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 11 बाय 30, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। मैं क्या करता हूं आपको सिखा देता हूं इक्वेशन, आगे की जिम्मेवारी आपकी है। सभी बच्चे बताओ व्हाट विल बी द एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा बोलो।
सभी बच्चे बोलेंगे बेटा चैट बॉक्स में व्हाट विल बी द एलसीएम। बोलो बेटा चैट बॉक्स में लिखो आराम से, टेक वन मिनट। बोलो, वेरी गुड वेरी गुड। एलसीएम क्या आएगा? नीचे वाले दोनों की मल्टीप्लाई काम खत्म। एम आई क्लियर? एलसीएम क्या आएगा? डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। एम आई क्लियर सभी को? क्या सभी बच्चों को मेरी बात क्लियर है? एलसीएम क्या होगा? नीचे वाले दोनों की मल्टीप्लाई। सभी ध्यान देंगे, एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम ध्यान दो सभी। एक्स प्लस फोर की मल्टीप्लाई एक्स माइनस सेवन से। फोकस, यहां किसी कमी है? सेवन वाले की, तो एक्स माइनस सेवन। यहां किसी कमी है? प्लस फोर वाले की, एक्स प्लस फोर। सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर जिसने ये ब्रैकेट नहीं लगाया क्वेश्चन यहीं पे खत्म। क्यों? ब्रैकेट के बाद क्या है? माइनस साइन विल चेंज। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को ये छोटी सी चीज क्लियर है? छोटी सी, अगर ये गलत पूरा क्वेश्चन गलत। ब्रैकेट के बाद माइनस है, साइन चेंज होंगे। जिसको ये बात समझ में आ गई उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बहुत इजी है। एक्स माइनस फोर, ब्रैकेट के बाद माइनस, इन दोनों के साइन चेंज। क्लियर है? क्या सभी को इसकी मल्टीप्लाई आती है? बताओ सभी चैट बॉक्स में, वाई फोर यस एंड फोर नो। मल्टीप्लाई कैसे? एक्स की एक्स से, एक्स की सेवन से, एक्स की फोर से, फोर की सेवन से आती है। यस स्टूडेंट्स, डू यू नो वाई फोर यस एंड फोर नो? तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मुझे बताना क्या मैंने मल्टीप्लाई ठीक की है। वेरी गुड वेरी गुड, बताया सभी मल्टीप्लाई में क्या गलती है? सभी बच्चे बताएंगे मल्टीप्लाई में मैंने क्या गलती की है। वेरी गुड, बोलो। यस, मल्टीप्लाई में मैंने क्या गलती की है? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। आप सभी को ध्यान देना है साइन का, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस। यहां पे आएगा प्लस का 4x। क्या सभी को मल्टीप्लाई क्लियर? बेटा एक एक चीज ध्यान से, एक एक चीज ध्यान से। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? इसके बाद कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, ध्यान दो। माइनस से माइनस कट, क्या बचेगा? सॉरी, एक्स से एक्स कट, माइनस का सेवन, माइनस का फोर, माइनस का इलेवन। सात में से चार गया तीन, बड़ा कौन है? माइनस का, माइनस का 28 इक्वल्स टू 11 बाय 30। आप सभी को पता है इक्वल्स टू के ऊपर ऊपर और नीचे नीचे काट सकते हैं। 11 मंजा 11 मंजा, क्या बचेगा? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस 28 इक्वल्स टू 1 बाय 30। क्लियर? इसके मल्टीप्लाई 1 से, तो जो है वैसे का वैसा। प्लस इंटू माइनस माइनस 30 बन जा 30। क्लियर? फोकस, एक इसका है माइनस, इसे लाके प्लस। क्लियर? लास्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 30 में से 2 गया, 30 में से 28 गया 2, बड़ा कौन है? प्लस का। क्या सभी बच्चों को इक्वेशन क्लियर है? Y for yes and for no in the chat box। क्या सभी बच्चों को इक्वेशन की फॉर्मेशन क्लियर? इक्वेशन कैसे बनानी है? हाँ जी बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, टेल मी। क्या सभी बच्चों को इक्वेशन क्लियर है बेटा? Y for yes and for no in the chat box। वेरी गुड टेल मी। यस बेटा वेरी गुड, सभी अप्लाई करेंगे बेटा, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, सभी को क्लियर?
तो क्या सभी बच्चों को आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए? जितना काम हमने आज किया सारा क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्या सभी को क्लियर है? वेरी गुड। तो बेटा आज का आपका होमवर्क क्या है? सिर्फ आपको दो क्वेश्चन करने हैं बेटा, एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 फेयर कॉपी में। आपको पीडीएफ मिल जाएगी 10 बजे तक, क्लियर है? 10 बजे के बाद आराम से फेयर कॉपी में करके मुझे क्या भेजनी है? पीडीएफ। प्लीज पीडीएफ भेजना, कोई बच्चा फोटो नहीं भेजेगा, ठीक है? कोई बच्चा फोटो नहीं भेजेगा, क्या भेजनी है? पीडीएफ, क्लियर? बताएं सभी चैट बॉक्स में, क्या सभी को क्लियर? क्या भेजनी है? पीडीएफ, फोटोज नहीं। मिलते हैं शाम को 3 बजे, टिल देन टेक केयर, बाय बेटा, बाय बेटा। मिलते हैं शाम को 3 बजे बेटा, बाय बेटा। वेरी गुड बेटा, बाय बाय बेटा, बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा, बाय बेटा। 3 बजे मिलेंगे शाम को 3 बजे बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।